पूर्वाचार्य एवं योगीराज के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान कर साकार करने में और इस तीर्थ को महातीर्थ के रूप में दुनिया के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में मंडित करने में जिस महान विभूति का अथक परिश्रम, कुशल नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन रहा, वह है भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देवेश श्रीमद जय जय रत्न सुरेश्वर जी मरासा। इस पुण्यवंत धरा पर योगीराज श्री शांति विजय जी, पुण्य सम्राट श्री जयंत सिंह छुरी जी एवं विदुषी साध्वी श्री सूर्य किरणा श्री जी मरासा ने अंतिम विदाई ली। श्री जयरत्न सूरी जी मरासा ने अपनी सूझबूझ से इस तीर्थ की काया ही पलट दी। वर्तमान में श्री महावीर बावन जिन्नालय, श्री वर्तमान राजेंद्र जैनागम मंदिर, शाश्वत जैन चैत्य, गणधर पूर्वाचार्य मंदिर, श्री राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर, योगीराज श्री पुण्य सम्राट समाधि मंदिर एवं विशाल भूखंड पर निर्मित धर्मशाला, भोजनशाला, उपाश्रय आदि प्रकल्पों के दिनांक 19 फरवरी 2024 को गच्छाधिपति धर्म दिवाकर श्रीमद विजय नित्य सिंह सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा सह विशाल श्रवण श्रवणी वृंद की शुभ निश्रा में आयोजित तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव में इस तीर्थ की गौरव गाथा के साक्षी बनने जा रहे हैं। आचार्य देवश्री की समस्त निर्माण धार्मिक आदि आयोजनों के कार्यदक्ष मुनिराज श्री आनंद विजय जी महारासा का पूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। इस पुण्य भूमि पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी एवं गुरु सप्तमी पर्व का विशाल मेला आयोजित होता आ रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में जैन एवं इतर जन आकर अपना मनोवांछित पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।